निकल एमपी में। तो दोस्तों आप जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उससे दबाएं, और उसके बगल में आपको बेल आइकन का बटन मिलेगा उसे ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल पर आप विज़िट करके आप पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पूरे चैनल वीडियो देख सकते हैं, और जो ये वीडियो का ऑप्शन देख रहे हैं उसे क्लिक करके मेरे पूरे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो टेक्निकल एमपी में। तो दोस्तों आज हम दिखाने वाले ये है जीके कंपनी की इको बाइक जो इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो दोस्तों ये काफ़ी लुक वाइज आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी साइकिल है, और जीके का ये ब्रांड है तो ये जीके की तरफ से मेरे पास आई है। तो मैंने इसमें किट जो मोटर किट होता है PMDC मोटर और बैटरी मैंने पूरा असेंबल किया है। इस वीडियो को पूरा देखें आप ताकि आपको असेंबलिंग वीडियो आपको समझ में आए। तो दोस्तों ये जीके की प्रॉपर साइकिल आती है, अगर आपको जीके की साइकिल चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका दिखाएंगे हम रिव्यू और कैसे हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक आपको मोटर PMDC मोटर किट बैटरी वगैरह असेंबल किया है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रो टेक्निकल एमपी में। तो दोस्तों इस ये है जीके की इको बाइक, तो इसमें हम करने वाले हैं ये PMDC मोटर सेट। तो दोस्तों ये हमने मंगवाई थी जीके कंपनी से, तो इसको हम इसमें करेंगे अभी PMDC मोटर सेट जो 24 वॉट 250 वॉट की किट है उसको हम सेट करेंगे। तो इसमें कैसे फिट करना है, कैसे कनेक्शन होना है, ऑल वीडियो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बगल में बेल आइकन का बटन मिलेगा उससे ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट्स मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसको हम बनाएंगे, ये इको बाइक्स है जीके कंपनी की, तो उसमें हम फिट करेंगे इसमें मोटर किट। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये है जीके कंपनी की PMDC मोटर किट, आप देख पा रहे हैं। तो ये मेरे पास आपको किट मिल जाएगी, अगर आपको किट चाहिए तो मेरे पास मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे किट के। तो दोस्तों ये है जीके की PMDC मोटर किट, और ये है इसकी मोटर। बाकी आधा आइटम मेरे घर में अभी अंदर रखा हुआ है, उसको हम फिट करेंगे। आपको अभी दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या आपको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले लेंगे हम ये माउंटिंग प्लेट। तो माउंटिंग प्लेट हम इसमें करेंगे ये मोटर सेट। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये मोटर कैसे सेट करना है इसमें। तो ये है हमारी मोटर जीके की PMDC मोटर, आप देख सकते हैं ये 24 वॉट 250 वॉट की किट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम करेंगे इसमें ये इसकी स्क्रू हम निकाल देंगे। तो ये हमने इसको स्क्रू इसके टाइट कर दिए हैं और इसको हम अभी करेंगे इसमें सेट। तो दोस्तों इसको हम अभी करेंगे हम इसमें सेट, और पहले हम फंसाएंगे इसकी चेन। ये आप चेन देख रहे हैं, डबल थ्रेडेड हब इसमें लगा हुआ है। तो ये इसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में इसको चेन फंसाएंगे अभी हम।
दोस्तों इसके हम पहले होल्ड, दोस्तों इसको हम कर रहे हैं सेट अभी। और ये वाले जो क्लैंप है, अभी ये क्लैंप देख रहे हैं, तो ये क्लैंप ऐसे लगते हैं यहाँ आपको ध्यान देना है इस वीडियो को, अभी आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो दोस्तों ये है जीके का कंट्रोलर। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये ऑरेंज एंड कॉफ़ी कलर और येलो जो है ये है पावर लॉक का। तो ये तीन वायर आप देख रहे हैं, ये पावर लॉक इसमें लिखा हुआ है। तो ये पावर लॉक का जो ये है ये ऑरेंज ब्लू एंड कॉफ़ी, तो ये है अपना ये सॉरी ऑरेंज पिंक और ब्लू जो ये पावर लॉक का है। तो ये पावर लॉक का हमने कनेक्ट कर दिया। और फिर उसके बाद है रेड और ग्रीन एंड ब्लैक। दोस्तों ये वाला जो है ये है आउटपुट का टू पोर्ट, ये थ्रॉटल जो आगे जाएगा, तो इसका है ये सॉकेट। उसके बाद दोस्तों ये वाले जो सॉकेट है ये है ब्रेक का, जो लूम वायर से आगे जाता है। तो ये इसमें लिखा होगा ये ब्रेक, आप देख पा रहे हैं ये है ब्रेक लिखा हुआ। तो इसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो जीके की किट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पूरे इसमें इंग्लिश में लिखे रहते हैं। और जो चाइना की किट में जो आते हैं वो चाइना में लिखा रहता है, तो उसकी वजह से बहुत इशू होता है। और ये जो है ये पैडल असिस्ट हम बाद में लगाएंगे, तो पैडल असिस्ट का सॉकेट है ये, तो उसका भी मैं आपको वीडियो में आपको दिखा दूँगा पैडल असिस्ट कैसे यूज़ करना है, कैसा लगेगा। तो दोस्तों अभी हम इसको कंट्रोलर को रखते हैं इसके अंदर। और ये वाला जो मोटर का सॉकेट है, ये आप मोटर जो पीछे हमने लगाया है, मोटर का जो सॉकेट है ये येलो और ब्लू है। तो ये येलो और ब्लू जो ये मोटर का आप सॉकेट देख रहे हैं, तो ये करेंगे इसमें हम कनेक्ट। तो ये हो गया कनेक्ट, उसके अंदर हम ये कंट्रोलर रख देंगे। ये पूरा कंट्रोलर के हिसाब से बना हुआ है, ये बैटरी के हिसाब से बना हुआ है।
दोस्तों अब लगाएंगे इसको ये हेडलाइट। दोस्तों ये है जीके कंपनी की हेडलाइट, तो उसको लगाएंगे अभी, इसमें हम सेट करेंगे। तो ये है लूम वायर, लूम वायर का हम ये है ब्रेक का ब्रेक पॉकेट। तो ये जो दो आप वायर देख रहे हैं तो ये आगे ब्रेक के लिए है, इसको हम एक सॉकेट लगा देंगे अभी। ये वाला भी जो है ये ब्रेक का सॉकेट है। तो ये भी ब्रेक का सॉकेट हम यहाँ पे लगा देंगे। और ये वाले जो दो सॉकेट हैं, ये एक जो ये है ये पिंक और ऑरेंज और ब्लू वाला, ये हेडलाइट का, ये हेडलाइट का हमने लगा दिया है। और उसके बाद जो ये रेड और ब्लैक और ग्रीन है, ये है थ्रॉटल का, तो थ्रॉटल का भी हमने लगा दिया है। और ये हेडलाइट के नीचे एक येलो वायर निकलता है, जब हेडलाइट के नीचे देख रहे हैं तो ये है ऑरेंज का। तो ये थ्रॉटल के बगल में जो है ये है, इसको हम लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ तक हमारा ये कनेक्शन हो गया है। तो ये हमारा यहाँ तक कनेक्शन हो गया है, ये वाला जो लूम वायर है यहाँ से हमने लेके उसके पीछे से ये लूम वायर आया है, उसके अंदर ये जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लगाएंगे इसकी बैटरी और पैडल असिस्ट का जो है, पैडल असिस्ट हम बाद में लगाएंगे, अभी सिर्फ हम यही अटैच कर रहे हैं। पैडल असिस्ट का भी इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों अब हम ये ले आए हैं, अब ये जो बैटरी है, बैटरी हम रखेंगे यहाँ इसके। ये है जीके कंपनी की बैटरी, आप देख रहे हैं जीके कंपनी की बैटरी है। तो इसको इसी बैटरी के साथ ये साइकिल आती है। फिर तो यहाँ से हम इस वायर को अंदर, ये होल है तो यहाँ पे हम वायर को अंदर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक वायर हम यहाँ से ये वाला अंदर डाल देंगे। ठीक है, पहले हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। बैटरी को थोड़ा हम बाहर निकालते हैं। तो ये है इसका नेगेटिव, वहाँ से हमने पॉजिटिव लगाया था, एक साइड हमको लगाना है नेगेटिव। तो उसको हम कर देंगे पहले टाइट। तो ये हमारा नेगेटिव यहाँ पे लग चुका है। और उसके बाद हम रखेंगे ये दूसरा बैटरी, इसको हम थोड़ा लूम वायर को हम थोड़ा साइड कर देंगे। और पहले ये जो बैटरी से हमने एक वायर कनेक्ट किया था, उसको हम पहले इसमें टाइट कर देंगे। दोस्तों हमने वायर कनेक्ट कर दिया है, बस ये हमने जो बैटरी से ये लंबा वायर है ये हम करेंगे अब कंट्रोल में कनेक्ट, और आपको दिखाएंगे ये साइकिल चालू करके। दोस्तों ये हमने वायर कनेक्ट कर दिया है और कंट्रोलर हम फंसाएंगे यहाँ पे। कंट्रोलर हमारी ये यहाँ पर फंस गया है, और ये पूरी वायर हम कर देंगे अंदर, कर देंगे हम ये बॉक्स लॉक। दोस्तों ये हो गया हमारा ये बॉक्स लॉक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बॉक्स हो गया लॉक, अब हम करेंगे इसको चालू। दोस्तों ये हमारी साइकिल चालू हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वोल्टेज दिखा रहा है 26 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा थ्रॉटल हो गया,
दोस्तों हम अभी इसको रन करके दिखाते हैं कि कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कनेक्शन पूरा ओके हो गया है। और ये है हॉर्न स्विच, ये हॉर्न स्विच, ठीक है दोस्तों। और ये पूरा बॉक्स से हम ये लूम वायर आगे तक ये सेट करेंगे, यहाँ तक सेट करके हम इसको लाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको बांध देंगे और ब्रेक के हमारे ये साइकिल के वायर बचे हैं बाकी, और मोटर का वायर थोड़ा बांधना बाकी है, मोटर का थोड़ा वायर बांधना बाकी है, इसको भी हम अच्छे से इसको बांधेंगे और ब्रेक की इसका सेट करेंगे। बाकी ये थोड़ा सेट हो गया है, अब मैं आपको ये क्लियर पूरा बना के रेडी करके आपको वीडियो देता हूँ। ना भी टाइट था बस, क्योंकि उन्ना पास अच्छा निकली है डायरेक्ट कटोरी में खोलानी है। हाँ कटोरी खोलनी है ना, मैंने कटोरी में फंसा लूँगा। तो दोस्तों ये है पैडल असिस्ट, उसको लगाएंगे हम इस पर, जो ये रिंग आप देख रहे हैं इसको रिंग को निकालना पड़ेगा उसके बाद। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान करना है, जो PMDC मोटर के साथ जो पैडल असिस्ट आता है ये, तो ये राइट साइड में ही लगता है। तो इसको हम कटोरी को खोल के अभी पैडल असिस्ट को यहाँ पर ये कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इसका जो प्लेड है रिंग है वो थोड़ी टाइट होगी, यहाँ पे ये प्रॉपर लग जाएगा। उसके बाद जो इसकी प्लेट रहती है वो वाली मैग्नेट वाली, तो ये मैग्नेट वाली इसके ऊपर लग के ये टाइट हो जाता है। तो सिंपली फंडा है, आप लगा सकते हो उसको। मैंने पढ़े घूमा यहाँ पवन है क्या पैडल असिस्ट का सॉकेट आप देख रहे हैं, तो इसको हम कंट्रोलर में कनेक्ट करेंगे। इसका कंट्रोलर का सॉकेट निकालते हैं पैडल असिस्ट का, कहाँ पे दिखते हैं। तो दोस्तों ये है पैडल असिस्ट का सॉकेट, ये देखें आपने कंट्रोलर में, तो ये है पैडल असिस्ट का सॉकेट। इसका ये लॉक है, लॉक के हिसाब से पसाना है इसको।